हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ राया। आज मैं अपनी फर्स्ट चॉइस हेयर मास्क शेयर करने जा रही हूँ। बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था, आप हेयरों में क्या लगाते हो अपने बालों में, इतना स्मूथ है, इतना लंबा बाल और इतना स्मूथ कैसे है, कोई फ्रिजनेस नहीं। तो इसके लिए मैं जो हेयर मास्क यूज़ करती हूँ बहुत सिंपल होता है, ईजी टू मेक एंड ईजी टू अप्लाई होता है। तो आप इसे देखिए और जानिए कैसे अप्लाई किया जाता है और मैंने क्या क्या यूज़ किया है। पहले तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ गुड़हल का पत्ता और गुड़हल का फूल, मतलब हिबिस्कस। हिबिस्कस कितना किफ़ायती होता है, कितना बेनिफिशियल होता है, आपको तो पता ही होगा बालों के लिए। मैं हमेशा अपना फर्स्ट चॉइस जब भी मैं कोई फेस्टिवल सेलिब्रेशन जाती हूँ, मेरा यही मास्क होता है अपना फर्स्ट चॉइस। मैं बहुत सारे हेयर मास्क यूज़ करती हूँ पर ये मेरा बेस्ट एंड बेस्ट चॉइस होता है, क्योंकि ये बहुत ही आसानी से बन जाता है और इसका बेनिफिशियल बहुत ज़्यादा होता है। मैं अगर मेरा बाल बहुत जल्दी स्टिकी हो जाता है और ऑयली है तो ऑयली स्कैल्प हो जाता है, चिपकू लगती हूँ दिखने में, पर जब भी मैं ये मास्क यूज़ करती हूँ मेरा बाल बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। 2-3 दिन के बाद भी कोई ऑयललेस नहीं होता तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ और मेरा फंक्शन भी बहुत अच्छे से निकल जाता है। और 2-3 दिन हो जाएगा ना शैम्पू करने के बाद, फिर भी वो फ्रेशनेस रहेगा बालों में, ये मैं गारंटी दे सकती हूँ, क्योंकि मैं ये अप्लाई कर चुकी हूँ, आप लोगों के सामने अप्लाई कर रही हूँ। एंड द सेकेंड नोट इज़ कि आप बालों में ये अप्लाई कैसे कर रहे हो। मतलब बहुत सारे लोग बालों में हेयर मास्क तो यूज़ करते हैं पर इतना बेनिफिशियल क्यों नहीं होता, क्योंकि वो लोग अप्लाई ही गलत करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे किया है, हर सेक्शन को अलग अलग करके दो पार्ट में पहले डिवाइड कर लो बालों को, उसके बाद हर सेक्शन निकालो, उसके बाद उसे अप्लाई करते रहो पेस्ट को स्केल्प में बहुत अच्छे से, उसके बाद थोड़ा सा एक मोटा कोम लेके कोम करो बालों को और फिर उसके बाद लेंथ में यूज़ करो। ये होता है एक एक्चुअली प्रोसेस कि आप कैसे मतलब अप्लाई कर रहे हो बालों पे, ये भी इम्पोर्टेंट होता है हेयर मास्क। तो आप देख सकते हो मेरे बालों में सारा अच्छे से अप्लाई हो चुका है और उसके बाद मैंने लेंथ में यूज़ किया है, इसका रिज़ल्ट बहुत ही बेहतरीन है। और आप देख सकते हो मेरा बाल कितना गंदा था शैम्पू करने से पहले, उसके बाद मैंने जब लगाया, 1 घंटा यूज़ किया है, ज़्यादा नहीं, सच बता रही हूँ 1 घंटा मैं रख लेती हूँ, बहुत होता है मेरे लिए। और मैं ये सजेस्ट कर रही हूँ कि आप सब भी एक बार ये पेस्ट यूज़ करके देखिए, बहुत ही बेनिफिशियल होगा आपके हेयरों के लिए। तो मेरा ये सीक्रेट आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइएगा और प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर हेयर स्टाइल हेयर बेनिफिट मार्क्स एंड एवरीथिंग। सो बाय बाय, लव यू ऑल, प्लीज़ शेयर करें, थैंक यू।